सो गाइस आज से आप लोग फ्री फायर नहीं खेल सकते, आपकी फ्री फायर आईडी बैन हो जाएगी। तो गाइस ऐसे बहुत सारे डाउट मुझको कमेंट में आते कि भाई हमारी फ्री फायर आईडी बैन हो जाएगी, फ्री फायर का कुछ नया रूल आया, ये आया। तो गाइस मैं आप लोगों को सब कुछ फुल डिटेल में बताने वाला, उससे पहले हम अपना इंट्रो दे दें। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अजय, आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल गेम नॉलेज में। सो गाइस आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज, साथ ही साथ नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए। गाइस फ्री फायर सही में आईडी बैन हो जाएगा, क्योंकि गाइस फ्री फायर इंडिया में फेसबुक से सबसे ज्यादा लॉगिन हुआ है। आपको भी पता है फ्री फायर में सबसे ज्यादा आईडी जो लॉगिन से वो फेसबुक से ही है, और उसी के साथ साथ गूगल से भी है, बट सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से 60-70% गाइस फेसबुक लॉगिंग है, क्योंकि सबसे पहले गाइस वहाँ पे फेसबुक का दिखाई देता है सिंबल, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर को उस समय पता नहीं होता है, क्योंकि नया नया जब गेम स्टार्ट करते हैं तो गेस्ट अकाउंट को गाइस ज़्यादातर फेसबुक से करते हैं। उसी के साथ साथ गाइस सभी के पास फेसबुक आईडी होती है, जीमेल आईडी भी होती है, बट गाइस जीमेल आईडी थोड़ा यूज़ करने में वहाँ पे साइन इन अदर यहाँ पे क्लिक करो फिर जाके जीमेल आईडी सेलेक्ट करो, तो ये सब आप जानते हो गाइस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब एज ए जो मतलब छोटे से बच्चे होते हैं वो जो मतलब ऑडियंस होती है, बट फेसबुक पे फटाक से हो जाता है। तो बहुत लोगों ने फेसबुक से यहाँ पे कर दिया होगा, और गाइस आपको पता ही है फ्री फायर फेसबुक से सबसे ज़्यादा लॉगिन है। तो गाइस वहाँ पे फेसबुक का एक नया इंडिया और गवर्नमेंट का कुछ नया रूल था सोशल मीडिया लोग के लिए कि इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक जो भी ऐप है उनको हमारे कुछ रूल्स मानने होंगे, उनका मतलब इंडिया गवर्नमेंट का कुछ अलग से रूल बनाया गया था कि ये रूल को जो मतलब एग्री आपको होना होगा तब भी आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो, जिसको लिए गाइस 3 मंथ्स काम मतलब 3 मंथ्स टेक्निकल सब ये सब गाइस बातें हैं मैं आपको बता दूँ, 3 मंथ उनको टाइम दिया गया था कि आप 3 मंथ के अंदर कर दो। तो गाइस वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, बट हाँ लास्ट डेट से पहले गाइस फेसबुक ने यहाँ पे रिस्पॉन्स किया कि हाँ हम गवर्नमेंट के जो रूल एंड रेगुलेशन है उससे हम रेडी हैं, और यहाँ पे जो उसका रहेगा हम देखेंगे गवर्नमेंट से बात करेंगे। तो गाइस बोला गया था 26 तारीख को का डेड लाइन आ गया, अभी भी आप खोलोगे तो आपका फेसबुक ओपन होता होगा। तो गाइस ये सब बैन हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि अब गवर्नमेंट चाहे तो भाई रातों रात यहाँ पर नोटबंदी हो जाए नोट बैन हो जाते हैं तो ऐप है, तो ऐसी नहीं कि गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत नहीं है कि नहीं कर पाएगी। बहुत लोगों का मैं देख रहा हूँ अरे वो कर ही नहीं सकती ऐसा, तो गाइस पबजी बैन हो गया, टिकटॉक बैन हो गया, ये तो उनके लिए तो नॉर्मल सी ऐप है, हाँ हमारे लिए इसके बारे में सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ अगर फेसबुक आईडी वीडियो फेसबुक बैन होता है, पहली बात तो गाइस मैं आप लोगों को मैं भी बता दूँ इतना जल्दी बैन नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट से उनके बीच में डील हुई रहती है पहले से, बहुत सारे इसमें रूल रेगुलेशन होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम और लिया जाएगा कि हाँ। साथ ही साथ गाइस अगर हाँ ये पर्सनल डेटा चोरी वीडी करता है, जैसे हमारे पबजी ऐसे में था कि हाँ चाइना से उनका पर्सनल वहाँ से होता था, टेंसेंट कंपनी के साथ मेन प्रॉब्लम टेंसेंट से था, पबजी से नहीं था, क्योंकि गाइस आप भी जानते हैं पबजी इंडिया फिर से आ रहा, तो गेम सेम गाइस इसमें भी होता है, अगर फेसबुक का कुछ रूल रेगुलेशन से प्रॉब्लम होगा तो चेंजेस करेगा, क्योंकि उनको भी पता है फ्री मतलब जो इंडिया है इतनी बड़ी पॉपुलेशन की जो उनको मतलब गाइस सर्विस मिलता है, साथ ही साथ उनसे जो इनकम होता है, तो भी रातों रात गाइस अपनी इनकम को तो बंद नहीं करेगा, आप भी जानते हो। तो आप इसको टेंशन मत लो कि मेरी आईडी तो बैन नहीं हो जाएगी, मेरा फेसबुक तो बैन नहीं हो जाएगा। साथ ही साथ गाइस अगर आपको कंटेंट चाहिए होगा कि फेसबुक आईडी को गूगल में कैसे ट्रांसफर करें, तो इसके बारे में मैं आपको एक नॉलेज देने वाला हूँ, तो अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ वीडियो को अगर आप हमारे 5 लाख कहाँ से मैं 1 मिलियन वाला बंदा नहीं कि 1 मिलियन लाइक कर दो, मैं आपको सिर्फ बोलूँगा 5000 लाइक कर दो, अगर 5000 लाइक कंप्लीट हो जाए तो जरूर सिर्फ मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो गाइस आपको ये करना है, अगर आपकी फेसबुक व्यूजू का अभी कुछ बैन नहीं होगा, बाई चांस आपके अगर बाई चांस अगर मेरे को तो 0.01% चांसेस है कि आपके ऐसा कुछ होता है कि मतलब कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया जाता है, या जब तक तो वो रूल रेगुलेशन को अप्लाई मानते नहीं तब तक तो के लिए बैन कर दिया गया। तो गाइस फ्री फायर का आपको मेन क्या करना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखता होगा आपको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई गाइस फ्री फायर के जो जो मेन मेन ऑफिशियल पेज जहाँ से भी हो सके इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए गैदरिंग करेगा, आप बोलोगे गाइस भाई अब तो ट्विटर व्यूटर सब कुछ बंद हो गया ये सब, तो गाइस हमारे पार्टनर प्रोग्राम के भी बहुत सारे बंदे हमारे साथ फ्रेंड्स हैं, तो उससे भी मैं कॉन्टैक्ट करके उनको भी तो कुछ खबर मिल ही जाएगा। तो गाइस कुछ ऐसा अपडेट आ जाएगा फ्री फायर खुद दे देगा, क्योंकि फ्री फायर का भी इसमें भी बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, तो खुद एक ऐसा सिस्टम दे देगा कि आप इसको जीमेल से करो या कुछ एक नया सिस्टम, आप भी जानते हैं फ्री फायर जब गाइस प्रॉब्लम क्रिएट होता तब भी उसकी सोल्यूशन भी निकलती है, आपको भी पता उससे पहले कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो सेम गाइस यहाँ पे भी होगा कुछ, फ्री फायर अगर करता है तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। इसके लिए मैं क्या आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और गाइस आपको टेंशन नहीं लेना, आप देखो फेसबुक बैन हो इंस्टाग्राम बैन हो ये सब अपने हाथ में कुछ है कि हाँ आपने कुछ किया तो रुक जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं गाइस, आपको बस हाँ नॉर्मली सेंटीमेंट जुड़ी होती है, बात तो अलग है, बट आप इतना हाइपर विपर मत बनाओ, और ऐसा कुछ इतना मेरे हिसाब से भी कुछ नहीं होगा, 0.01% चांसेस है, और आपको तो आपका भी अपडेट्स मिल ही जाएंगे न्यूज़ में, सब मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि ये लोग के बीच में क्या डील क्या हुआ। तो हाँ ये है थोड़ा फेसबुक का भी टेंस अपने फ्री फायर का है, बट उतना आप
टेंशन ना लो, फ्री फायर वाले लोग कुछ अलग से आप लोगों के लिए बना देंगे, कुछ इंडियन ऐप के साथ ही कोलेबरेशन करके बोलेंगे कि इससे मतलब इसको जो फेसबुक आईडी थी इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो इस ऐप से, सब जब आएगा तो गाइस इसी मेन बोलता हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई गाइस आपके हेल्प के लिए सिवाया है, तो इसके लिए गाइस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, उसी के साथ वीडियो को जो है लाइक करना, क्योंकि अगर आपको और उसी के साथ साथ कमेंट भी करना कि आपको फेसबुक आईडी को गूगल में ट्रांसफर करना है ये सब को जानना है तो मुझे कमेंट करके जब बताना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो गाइस वीडियो को लाइक करते हुए जाना। सो गाइस मिलते हैं इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।